नागरिकता कानून को लेकर देश भर में मोदी सरकार की मुखालफत तेज। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक उठ रही है सरकार के खिलाफ आवाज। आज भी कई जगह हो रहा है कानून के विरोध में प्रदर्शन। नागरिकता कानून के खिलाफ बिहार में आरजेडी का बंद। अररिया में आरजेडी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, सड़क पर भी उतरे कार्यकर्ता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान पर भड़की निर्मला सीतारमण, कहा पहले कानून को अच्छे से पढ़े लोग, गलत जानकारी और भ्रम फैलाने वालों की नहीं सुने प्रदर्शनकारी। पीएम मोदी ने आज बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। पीएम मोदी आज देखेंगे अपने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड, इसी आधार पर मंत्रिमंडल में होगा फेरबदल। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियां हुई तेज। बीजेपी ने दिल्ली वालों को बुलाने के लिए भेजे डिजिटल रथ, कल रामलीला मैदान में होगी रैली। बीजेपी के हाथ से फिसल सकता है झारखंड, ज्यादातर एग्जिट पोल्स में पिछड़ी बीजेपी। जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को मिल सकता है फायदा, हेमंत सोरेन बने झारखंड में पहली पसंद। घने कोहरे में लिपटी दिल्ली, 750 उड़ाने और 100 से ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित, यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, निवेश की योजना बना रहे निवेशकों को दी सुरक्षित निवेश और धोखाधड़ी वाली योजना की जानकारी, कहा सुरक्षित योजना निवेश के लिए पर्याप्त समय देती है। भारत और चीन के शीर्ष अधिकारियों के बीच होगी अहम बैठक, दो दिवसीय बैठक के लिए चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे, सीमा के निर्धारण, सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 दिसंबर को होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे से पहले टीम इंडिया करेगी जी तोड़ प्रैक्टिस, करो या मरो के मुकाबले से पहले टीम इंडिया को लगा झटका, दीपक चाहर आखिरी वनडे से हुए बाहर। नागरिकता संशोधन कानून पर मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद की टिप्पणी पर भारत की दो टूक, CAA को बताया भारत का आंतरिक मामला, विदेश मंत्रालय ने महातीर के बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। अमेरिका और चीन के बीच करीब 18 महीने से चल रहा व्यापार विवाद हो सकता है खत्म, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी समकक्ष से अच्छी बातचीत चल रही है। यूरोपियन यूनियन से 31 जनवरी तक अलग हो सकता है ब्रिटेन, सांसदों ने बोरिस जॉनसन की योजना पर लगाई मोहर, EU विड्रॉल बिल के पक्ष में 558 में से 234 सांसदों ने किया समर्थन। पाकिस्तान में इस साल पोलियो के 111 मामले आए सामने, अफगानिस्तान और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान दुनिया का तीसरा देश है जहां भी पोलियो की जड़ें फैली हैं। स्पेस फोर्स बनाएगा अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की राष्ट्रीय सशस्त्र बल के 6th ब्रांच अमेरिकी स्पेस फोर्स बनाने की घोषणा। आज भी बढ़े डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 20 पैसे महंगा होकर 66.58 रुपए हुआ, पेट्रोल बिना किसी बदलाव के 74.68 रुपए में बिक रहा है। बड़े कॉरपोरेट अस्पतालों की सरकार को चेतावनी, कहा अगर सरकार ने 30 दिन में नहीं दिए 650 करोड़ रुपए बकाया तो कैशलेस इलाज बंद कर देंगे अस्पताल। पेंशन उत्पादों के लिए PFRDA बनेगा नया नियामक, वित्त मंत्रालय ने दी सैद्धांतिक मंजूरी, संसद के बजट सत्र में पारित हो सकता है नया कानून। कोटक महिंद्रा बैंक में 10% तक हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में उदय कोटक, बैंक में हिस्सेदारी बेचने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों से हो रही है बातचीत। और मारुति के अर्टिगा 5 लाख बिक्री वाले क्लब में हुई शामिल, पहले जनरेशन की अर्टिगा की 7 साल में बिक्री 418,128 यूनिट्स रही थी, दूसरे जनरेशन की अर्टिगा की 13 महीने में 1 लाख यूनिट्स बिकी।